बालकनी जो है वो माउंटेन व्यू में है, ठीक है। जहाँ तक माउंटेन है, माउंटेन क्रॉस करेंगे तो माउंटेन के उधर झील है, अभी उधर ही जाना है घूमने के लिए। डुब्रोनिक में ये हमारा अपार्टमेंट विथ माउंटेन व्यू। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। थैंक यू। और ये देख रहे हैं, ये पहाड़ियों पे मेरा विला है और ये विला की मालकिन हम हैं। और पीछे ब्यूटीफुल व्यू है जो हम नीचे जाके अभी कवर करने वाले हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं किसी का। और माउंटेन मेरे पीछे देखिए, मस्त लग रहा है। रिशित कुमार वहाँ खड़े हैं। आज है हमारा जन्मदिन, तो आप लोग ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए। बाबा मुँह खोल के मांग रहे हैं गिफ्ट, चलिए मुँह खोल के बधाइए बहुत दीजिए। सारी शुभकामनाएं दीजिए। तो आज हमारे पतिदेव जो हमको डोब्रोनिक डोब्रोनिक शहर पूरा घुमाने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो इस वीडियो में कवर है। गुड मॉर्निंग। दिस इज आवर बोट। चलिए ये रहा हमारा बोट भाई। तो हम लोग देखिए इस गेम ऑफ थ्रोन वाले जो है बैठ रहे हैं, सीट पे बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, आ चुके हैं। अच्छा ये ब्लू लगे पहना है, पानी मिला है, समझे। वाह भाई थैंक यू, बहुत अच्छा। अभी कहाँ कहाँ ले जाएगा पता है? फ्री आइलैंड ले जाएगा, वो भी दिखाएंगे। भाजी का ये था सरप्राइज मेरे लिए, गेम ऑफ थ्रोन का बोट। हाँ और क्या है ना कि यहाँ पे जो है आपको तीन आइलैंड में ले जाएगा, ठीक है। और इसका जो है 50 यूरो कॉस्ट है एक आदमी का, ठीक है। हम लोग मजे करेंगे आज पूरे दिन। हाँ मेरे को ये वाला बोट में बैठने का बहुत ही शौक था। फाइनली जागी ना वो ड्रीम पे, बोट बहुत ही बड़ा लग रहा है, सबसे टॉप पे है। जाजी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो इसका स्टार्ट जो है ना 9 बजे यहाँ पे एक पोर्ट है, उसका नाम है गुरुज, ठीक है। गुरुज यहाँ का लेक है, तो उस लेक पे पोर्ट बना हुआ है। चलिए आपको ना पूरा प्लान समझाते हैं। और ये देखिए ये फ्रंट व्यू देखिए, ये हमारा बोट है। तो इसी बोट से हम लोग आज तीन आइलैंड पे जाएंगे। इसका नाम है पता है क्रूजेस विद काराका। तो इस बोट का नाम देखिए ना, काराका बोट है। बहुत बहुत ही जैसा लग रहा है, सही है, ब्यूटीफुल है। तो ये 9 बजे स्टार्ट होगा हमारा पोर्ट से, ठीक है, डुब्रोनिक में। 9:45 में पहुंचेगा ये सबसे पहला आइलैंड जो है कोलोसर। हाँ तो वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग को 1 घंटा देगा। ओके ओके वहाँ घूमने के लिए आप। हाँ उसके उसके बाद नेक्स्ट आइलैंड में जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, पहले एक घूम के बताते हैं कि समझे। तो वहाँ अब सीधे ये है फ्रंट साइड। कॉस्टली है लेकिन वर्थ है। हाँ देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है और वेदर भी मस्त है। This main deck here, we have the toilets at your disposal. Toilets are probably while the ship is sailing. When we are docked, small, medium, and large. The price for the biggest one is €2. 27 euros for the biggest one. 20 euros for the little size, and the small one is 12 euros. So purchase it. Now we are slowly leaving Port Gruge. This area used to be one of the main shipyards on the Sea of Empire. So it was a crossroad in between both worlds. Baby, पहुँचने वाले हैं हम लोग, हाँ? हाँ, इलेक्ट्रो को देखिए आ गया है। इलेक्ट्रो देखें? यहाँ पे हमको मिलेगा बैठने के लिए। एक घंटा मिलेगा ना?
है, अगर आपको नहीं जाने का मन है तो इसमें बैठिए, नहीं तो पूरा वॉक करके आइए, हम लोग वॉक करेंगे, पनोरमा व्यू लेंगे। हमको लग रहा है कि ये वाला आइलैंड हम लोग का होना चाहिए, इधर की तो ये और ही हम लोग जा रहे हैं। ओह मस्त हवा चल रहा है, बोट में देखे ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओहो तो बताइए जानो, हमारा सरप्राइज कैसा लगा आपको? हाँ जन्मदिन का ये खूबसूरत है ना, मजा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। उधर बोट है हमको लगता था रियल है, लेकिन हमको बैठने का बहुत मन कर रहा था कि सेम डिट्टो वही है। वाओ क्या खूबसूरत लग रहा है जानो, यहाँ पे भी जानो सब नहा रहा है, देख रहे हैं। हाँ बीच है भाई। हाँ हम बीच में थोड़ा सा ना जाएंगे, पैर तो धोएंगे कम से कम। हमारी बीवी को देख सकते हैं नहाने तो नहीं गई है, लेकिन जो है कभी पैर धोने गई है। पैर धोएगी है। खूबसूरती थोड़ा सा क्रोएशिया का हम लोग सोचे ना कि आप लोगों को दिखा देते हैं। ये काला मोटा बीच है, चप्पल लेके जो है ना चल रहे कि जहाँ मन करे डुबकी लगा ले, डुबकी लगा ले, सब हाथ में लेके घूम रहे हैं। लाजवाब हमारा बोट है भाई, गेम ऑफ थ्रोन बोट ये। सेकेंड आइलैंड उतर चुके हैं और हम लोग करने वाले हैं वॉक। यहाँ पे भी हमें मिला है एक घंटे के बाद, उसके बाद तीसरे आइलैंड पे जाके हमें थोड़ा लंबा समय मिलेगा ना जी, उस पर आप नहा वगैरह सकते हैं क्योंकि वो बीच है नहाने वाला, वहाँ भी हमें जाना है और वहाँ नहाना है क्योंकि आप वेदर देख सकते हैं बहुत अच्छा है, हवा मस्त चल रहा है, व्यू बहुत अच्छा है। बहुत पानी बहुत है, पानी में लहर है कि ऊपर तक आ रहा है, देख रहे हैं भयावह लग रहा है। ये छोटा छोटा बोट का कोई वैल्यू ही नहीं है, देखिए यहाँ तक पानी आ रहा है। ये हमारा दूसरा नंबर का आइलैंड है सिपेन नाम का, और यहाँ पे भी नहाने का एरिया बना हुआ है, लेकिन ये सैंड वाला बीच नहीं है, ये आपका रॉकी बीच है। हमने भी भाई यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना विध कर ली है, पैर अपना भिंगाली है। देखिए यार खूबसूरत है यार, मानना पड़ेगा। ये रहा हमारा थर्ड आइलैंड, थर्ड आइलैंड का नाम है लुकुट, जो इसका पोर्ट अब आ रहा है इधर। लोकुट आइलैंड हम लोग पहुंच गए हैं, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ पे नहा से धोते हैं, साफ सुथरा होते हैं। और हमारा बोट
और ये तीसरा आइलैंड है देखिए। ये सारा सॉफ्ट अच्छा लग रहा है, बीच का फीलिंग ना। हाँ बीच का फीलिंग लग रहा है, मस्त लग रहा है, धूप भी मस्त है। आज पार्टी वार्टी होती है, ये देखो ये लोग को मस्ती करते हुए देख रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं। हेलो है जानू, जानू देख सकते हैं हाँ, मस्त मजे करते हुए बीच पे। बर्थडे किसका है जाजी? मेरा है ना, वहाँ क्या है हाँ देखो ना, आइसक्रीम दबोई जा रहा है। दूसरा आइसक्रीम है, दूसरा है मेरा कोला है, मेरा आइसक्रीम हुआ है, पूरा नहा के पूरा बाल खराब मेरा हो गया। चलिए तो हम लोगों का आज का दिन जो है ना, तो तीसरा बीच, तीनों बीच हो गया है। तीसरा बीच में हम लोग खूब नहाए धोए हैं, खूब नहाए हैं एकदम बीच में हाँ, इतना ज़्यादा मस्ती किए ना हम लोग। तो बीच में नहाने के बाद फिर हम लोग कहाँ गए, एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खूब सारा आइसक्रीम हम लोग पहले गर्मा है फिर ठंडा है। अब उसके बाद हम लोग अपना जो देख रहे हैं ये बोट, बोट में जो है ना अब इस बार फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं, पहले सेकंड फ्लोर में थे। बोट हटी हुआ है, आप हम लोग जाएंगे तो ओल्ड टाउन जहाँ है वहाँ पर जाएंगे, डिनर कराएंगे बाहर। और हम अभी थोड़ा सा टाउन घूमेंगे, और कल घूमेंगे टाउन, घूमेंगे ओल्ड टाउन घूमते हैं, चलिए दिखाते हैं वहाँ उतर। शाम का ब्यूटी देख सकते हैं दुब्रवनी का ना, हमारे पीछे वो तीन गो बोट है ना, सब वीडियो बना रहा है, पार्टी बोट वो स्प्लिट कर, सुंदर हमारा बोट है ना, सब लोग चाह रहा है एकदम उसका वीडियो ले फोटो ले। वो स्प्लिट का बोट है पूरा, आगे चलिए। अब शिव को भाई बोल दिया जाए, बहुत बढ़िया शिव है भाई, मजा आ गया। वो देखिए उस दीवार पे हमें कल घूमना है, लेकिन बारिश में घूमना पड़ेगा। आप घूमे ना भाई, बहुत गर्मी था आज, बाप रे बाप, गर्मी में नहीं घूमता, गर्मी तो आज बहुत खतरनाक था। यही गेट बंद किया था क्या? मूवी लड़ाई करने के लिए यही सूट हुआ होगा। आप तो बुद्धा क्या भूल रहे मेरा आपका मतलब। बहुत भीड़ है बाबा, आज वेदर अच्छा हो ना तो मस्त भी है, लेकिन दिन में नहीं घूम सकता है इतना गर्मी।
ये देखिए मस्त है ओल्ड टाउन में, ये गली गली जैसा बना हुआ है, इसके अंदर पूरा दुकान है, रेस्टोरेंट वगैरह है, समझे नहीं रहे। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आपको ओल्ड टाउन के गलियों में घुमा रहे हैं। बेबी बस देख लीजिए, कुछ लेना नहीं है। हाँ वो इसीलिए देखने भी दे रहे हैं। देखिए हम लोग का रेस्टोरेंट ये रहा, इसमें खाना खाएंगे रात में। इंडियन रेस्टोरेंट ये रहा। मेरा बेटा उंगली देखने की दुकान दिखा रहा है, ये दुकान ये वाला। हाँ ये दुकान में पता नहीं कुछ लेना होगा, गिफ्ट होगा, गिफ्ट वाला है। आगे इस स्ट्रीट का सबसे ज्यादा सुंदरता चारों तरफ ना वो दुकान है। दोनों साइड अपना दुकान है। और पत्थर इस तरह का बिछा हुआ है एकदम व्हाइट व्हाइट लग रहा है, एकदम लग रहा है कि लाइट फील हो रहा है, लाइट फील लग रहा है, पानी बरसा है। दीवार भी उसी तरह का है। चले आगे, पूरा गली तो घूम लिए, अच्छा लग रहा। फिर उसके उधर भी जाए तो देखेंगे ना क्या है। चलिए हर जगह टूरिस्ट गाइड लोग है। समंदर के बाद सिटी का मजा मस्त चर्च है ना। कैसा लग रहा है अपना शहर गेम ऑफ थ्रोन जितना सीरीज देखे थे आप? हाँ वैसे ही लग रहा है। वाई, 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 वाई। ये वाला का करके आए हैं। ब्यूटी है, वॉल दिख रहा है चारों वॉल। हम लोग का घर, हम लोग का पता नहीं। हाँ हाँ इसी वाले एरिया में है हम लोग का कहीं। अब सारे घर एक जैसे हैं तो कैसे पता चलेगा? ये वॉल है पूरा जिस पे लोग चल, पूरा व्यू कल वॉल से मिलेगा। अभी भी लोग घूम रहे हैं, कब तक ओपन रहता है पता नहीं। क्राउड देख रहे हैं, मस्त लाइट पे नाम लिखा हुआ है। ना सबसे अच्छा लगा ना कि मतलब हर लाइट में ना नाम लिखा हुआ है शॉप का, समझे। तो अभी हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हैं खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे तब घर जाएंगे। झाजी अभी ऑर्डर के प्रोसेस में है, समझे। नाम है इंडियन इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। तो यहाँ का ओल्ड टाउन में है ये, तो हमारी बीवी ने पहले से खोज कर रखी है। खाना तो आज बर्थडे के दिन तो खाएंगे ही खाएंगे। अच्छा बाकी दिन बाकी दिन हम बनाएगा, बर्थडे के दिन बाहर खाएगा।
अभी हम लोग ना मेनू चुन रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन जो है सिस्टम है, ठीक है, इसको आप फोटो से स्कैन कीजिए और ऑर्डर दीजिए। यहाँ पे हमारा डिनर आ चुका है, नान छोले पालक पनीर रायता, सॉरी सैलेड। तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, ठीक है, अब खा पी के हम लोग अपना आसियाना जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारी भी का जन्मदिन बहुत शानदार तरीके से हमको तो लग रहा है भी होता है। अभी तो फर्स्ट डे है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इस धमाकेदार ब्लॉग को अब यहीं खत्म किया जाए। हाँ, क्या बोलते हैं, रात को भी देख लीजिए, दिखाते हैं, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में कल यहीं पे। ये देखिए यहाँ पे नाइट व्यू क्या मस्त लग रहा है ना।